अभी हम लोग जा रहे हैं विजयपुर, और ये देख लो पहाड़ चालू है यहाँ पे। चित्तौ मेनली राजस्थान में पहाड़ वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इस फोर्ट वगैरह बहुत कुछ है। अरावली रेंज भी यहीं से जाती है, यहाँ से दिल्ली तक पहुँच जाती है अरावली रेंज। चलिए वो भी जाएंगे। गाइज अभी आप लोग देख रहे हो हम यहाँ पे कैसल में आए हुए थे। ये कैसल में डेस्टिनेशन वेडिंग अधिकतर होता है और यहाँ पे टीवी शूट वगैरह भी होता है, और जो अभी हम लोग किए हैं यहाँ पे ना। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक इन योर लाइफ। लेकिन फिलहाल हम तो नहीं कर रहे हैं फैंटास्टिक। जो ट्रेन को सुबह में पहुँचाना चाहिए था 5 बजे पहुँचा दिया है 3:30 बजे। यार ये दिमाग ख़राब हो गया। तुम लोग को लग रहा होगा इतना पहले पहुँचा दिया तो अच्छी बात है, जहाँ पे पहले पहुँचाना चाहिए था वहाँ पे पहुँचाया नहीं गया, यहाँ पे पहले पहुँचा दिया। यहाँ पे सोचे थे आराम से सोएंगे वगैरह, उठा दिया यार। ये तुम्हारा हसत निजामुद्दीन से उदयपुर के लिए जा रहा है, बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गए। अब देखते हैं फिर यहाँ से हमको जाना है मेरे दोस्त के पास, बारसी करके एक जगह है। अब देखते हैं ऑटो करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर रिजर्व रुकने का कोई फ़ायदा हुआ हमको दिख नहीं रहा है। ऐसे हम सोच रहे थे कि वही आने वाला था, अब ऐसे जाके हम आराम से थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि कल भी हम नहीं सोए थे एडिट करने के कारण। हम 4 बजे सुबह में सोए, फिर 7:30 बजे उठ गए, और मालूम है कल मेरे साथ क्या सीन हुआ था। सो गाइस यहाँ पे देख लो अभी चित्तौड़गढ़ पहुँच गए हैं। हम लोग को जाना था बरसी, लेकिन उसके लिए अभी नहीं मिल रहा है ऑटो। ऑटो मिला तो वो 900 रुपये बोल रहा था, मालूम है बहुत ज़्यादा है। और एक बोल रहा है ओमनी में शहर में जाना है तो आपको 200 रुपये चार्ज करेगा। अगर आप लोग ट्रैवल करते हो तो स्टेशन के पास ये सब चीज़ होते ही रहता है, तो अपना समझ लाना। अभी सोचे जा रहे हैं बस स्टैंड, हो सकता है वहाँ से हमको मिल जाएगा। और वैसे भी जाते जाते लगता है कि 5 बज जाए, तो फिर बस वगैरह तो अवेलेबल हो ही जाएगा। तो चलते हैं, थोड़ा चाय वगैरह पिएंगे मन किया तो, नहीं तो पहले बस ही स्टैंड जाएंगे। क्विक अपडेट, बस स्टैंड पहुंच गए हैं। ये रहा बस स्टैंड। अभी यहाँ पे देख लोगे पूरा अंधेरा ही अंधेरा, मतलब सन्नाटा है अभी, क्योंकि अभी बस स्टैंड खुला नहीं है। 5 बजे खुलेगा, 5 बजे मेरा पहला बस है, तो उसी को पकड़ के जाना है बस्सी। और बस्सी जाने के बाद फिर निकल लेंगे। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक इन योर लाइफ। ये तो बोल ही चुके हैं। तो भाई अभी अगर देख रहे होगे लग रहा होगा कि होटल में है, तो होटल में नहीं है। हम आए हुए थे अंकित भाई के पास, जब मांझर कुंड वाला वीडियो देखे होगे तो। ये रहा अंकित भाई, पूरा एकदम व्यस्त है अभी, एकदम इधर उधर इधर उधर भाई को तो अभी मतलब ऐसा सीन है। सो हम आए थे बस में, आ रहे थे, आप लोग देखे होंगे बगल में उतर गए थे, लेकिन एकदम हिम्मत नहीं कर रहा था, एकदम सोने का मन था। मालूम है लास्ट टाइम भी नहीं सो पाए थे, तो फिर उसके बाद पूरा नींद आ रहा था, ब्लॉगिंग नहीं किए थे इसी के कारण। यहाँ पे आके पूरा सोए हैं, और उसके बाद भाई हम तो सो गए थे, भाई पूरा तैयारी किया है, पूरी भुजिया दही वगैरह पाव सलाद वगैरह रेडी करके रखा। बोला कि भैया यही खाना है, मेरे हाथ का खा के जाना है, बाहर का खाने में वो मज़ा नहीं है जो हम बना के जाएंगे, वही अभी यहाँ पे चलेगा खाना। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए निकलेंगे, और उसको बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे, और देखते हैं उसमें क्या क्या होने वाला है। क्या चल रहा हो ना तुम भी? हाँ भाई चलेगा, जरूर जरूर। तो ठीक है भाई, मिलते हैं खाने के बाद। तो हे गाइस, एक मज़ेदार बात बताते हैं आप लोग को। हम लोग जाने वाले थे उदयपुर, उदयपुर बोल रहे हैं, उदयपुर हम लोग इतना बात किए कि उदयपुर ही के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले थे चित्तौड़गढ़, लेकिन चित्तौड़गढ़ जाने से पहले भाई बोला कि चलिए भैया आपको एक और मज़ेदार जगह दिखाते हैं, उसके बारे में हमको नहीं पता है, उसके बारे में सब कुछ इसे ही पता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करेगा सब कुछ। हम आपके साथ रहेंगे घूमने में, और इस बार हम इन्जॉय करने वाले हैं इसके साथ, अलग लेवल पर चल रहा है, बाइक वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं। मास्क के लिए बहुत प्रक्रिया क्या? तो गाइज अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे थे वो मार्केट था, गाड़ी चल रहा है तो मार्केट पीछे छूटेगा ही। अभी हम लोग जा रहे हैं विजयपुर, और ये देख लो पहाड़ चालू है यहाँ पे। चित्तौ मेनली राजस्थान में पहाड़ वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इस फोर्ट वगैरह बहुत कुछ है। अरावली रेंज भी यहीं से जाती है, यहाँ से दिल्ली तक पहुँच जाती है अरावली रेंज। चलिए वो भी जाएंगे। तो हे गाइस अभी ये जो गांव देख रहे हो ये विजयपुर है, एक साइड देख रहे हो पूरा पत्थर पहाड़ वगैरह सूखा सूखा तुमको दिखाई दे रहा होगा, तो
पौधे भी सूखे सूखे और इस साइड देखो पूरा खेती हो रहा है और अलग ही सीन है दोनों साइड, मतलब कि एक साथ ऐसा लग रहा है ना, मज़ा दे रहा है भाई सच में, ये मज़ेदार है। लगता है यहाँ पे पैलेस वगैरह भी है ना, तो उसी के गाड़ियाँ पास होते रहती है। देखिए और हम लोग जाते हैं, क्या होगा गाँव में जाके पता चलेगा। तो गाइस अभी हम लोग गाँव पहुँच गए हैं, देख लो ये रुका, ये रहा पोस्ट ऑफिस। सो हे गाइस, आपको मालूम होगा कि हम आए हुए थे विजयपुर, लेके आया था अंकित भाई, तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल कैसल विजयपुर में और यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं। अंकित का एक दोस्त है, वहीं पे जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देख लो, अगर आप लोग आते हो तो इस तरीके का कुछ सीन है और गार्डनिंग वगैरह किया हुआ है, यहाँ पे कुछ प्यारा सा दिया हुआ है, ये देखो। गाइज अभी आप लोग देख रहे होंगे, हम यहाँ पे कैसल में आए हुए थे। ये कैसल में डेस्टिनेशन वेडिंग अधिकतर होता है और यहाँ पे टीवी शूट वगैरह भी होता है, और जो अभी हम लोग किए यहाँ पे ना वो फ्री में हो गया, क्योंकि अंकित भाई आप लोगों को मालूम होगा, उसके बाद देख सकते हो स्विमिंग पूल वगैरह है और अंकित भाई यहाँ पे शूट लेने का इजाज़त ले लिया। अगर आपको यहाँ पे शूट लेना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं और थोड़ा सा अलग अलग सीन इन्जॉय करते हैं, तब तक आप लोग इन्जॉय करो सीन को। देखो अभी आए हुए हैं मीटिंग एरिया में, देख लो कुछ इस तरीका का मीटिंग एरिया है, पूरा सोफा वगैरह लगा हुआ है, ये सब देख सकते हो। ये हम ही लोग का गांव का जैसा होता है ना, आप लोग देखे होंगे इस टाइप का लकड़ी का बनता, बस यही है यहाँ पे थोड़ा सा उसी चीज़ को डिज़ाइन करके बनाया गया। और यहाँ पे शायद पुराने कुछ ज़माने की जो यहाँ पे बंदूकें वगैरह यूज़ करते होंगे वो चीज़ है, और पुतला वगैरह। और ये जो देख रहे हो आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, यहाँ बैठने के लिए ही है ये चीज़, हाँ बैठने के लिए, तो ये कॉपर पीतल के पुराने ज़माने के हथियार और बंदूक पकड़ के पिश पिश करने के लिए है। और इसको पकड़ के शायद ये हाथी वाला। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। सो गाइस गुजर रहे थे, सामने दिख गया घोड़ा और मालूम है हमको घोड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एक दिन लेंगे पक्का। हम पता नहीं इतना घुड़सवारी किए हैं ना इसीलिए। हाँ सो गाइस एक बात बताते हैं, उधर का जो भी कैसल वगैरह था वो हम लोग घूम लिए थे, और इसका जो दोस्त था वो शायद कैसल में नहीं अवेलेबल था, जिसके कारण हम लोग रूम वगैरह नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, किसी दिन अगर वो अवेलेबल होगा तो उसके साथ भी आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे दोबारा आते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो, हम लोग चित्तौड़गढ़ के लिए निकल चुके हैं और ये पहाड़ों के बीच से ये रास्ता होके गुजर रहा है, अलग लेवल पे चल रहा है भाई, अलग लेवल पे। और वो जो इसकी दीदी थी, भाभी बोल रहा है, ये तो भाभी बोलता है और वो इसको भाई बोलता है, हम तो दीदी ही बोलेंगे उनको, वो अलग लेवल पे बहुत ही ज़्यादा बिंदास और खुश मिजाज बोलिए उसको, वो खुश मिजाज भी थी। तो वो चीज़ को देखते हुए हम लोग निकलेंगे अब चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए।